हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उस फ़ोन को कैसे ढूंढना है और उसमें से जो डाटा है उसको कैसे डिलीट करना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले गूगल का होम पेज खोलना है, उसमें टाइप करना है गूगल फाइंड माई फ़ोन, क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने अपना जो गूगल क्रोम है उसमें मैंने अपना जो ईमेल है वो पहले से लॉगिन किया हुआ है मेरा अकाउंट। तो आपको भी जो अपना अकाउंट है वो लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए डिटेल आ रही है फ़ोन की, यहाँ पे साइन इन करना है। मैंने अकाउंट पहले से डाला है, अब पासवर्ड डाल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है साफ साफ। एक मिनट, रिफ्रेश हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैप में फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है इसने, फ़ोन किस जगह है। ये देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट लोकेशन फ़ोन की, जहाँ पर एट प्रेजेंट फ़ोन अभी है। और ये देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है फ़ोन की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्ले साउंड का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो आपका जो फ़ोन जहाँ पर भी होगा तो उसकी तेज़ रिंगटोन बजने लगेगी और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कहीं फ़ोन खड़ा होगा तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉप हो गई है रिंगटोन। और ये लॉक ऑप्शन है, इसमें यहाँ से आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं या उसकी जो डिस्प्ले है फ्रंट पेज पे वहाँ पे कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई नंबर छोड़ सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हे गिव मी माई फ़ोन, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। तो पूरा फ़ोन लॉक हो जाएगा और डिस्प्ले पे एक मैसेज और फ़ोन नंबर शो होगा और आपका फ़ोन पूरा लॉक हो जाएगा। यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप अपना जो डेटा है वो पूरा परमानेंटली इरेज कर सकते हैं। और या फिर जब भी आपका फ़ोन आज नेट के कनेक्शन में अगर कनेक्ट नहीं और जब भी फ्यूचर में नेट से कनेक्ट होता है तो डाटा इरेज हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे इरेज पे एक बार क्लिक करना है। और बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिंग और रिकवर का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर फ़ोन की पूरी डिटेल है। यहाँ पर योर मतलब जितने भी आपने पूरे फ़ोन पहले तक चलाए हुए इस अकाउंट से, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सैमसंग J2 चलाया था, अभी मैं एट प्रेजेंट MI 4 चला रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है मेरे फ़ोन की। यहाँ पर फ़ोन के ऑनर का नेम आ रहा है, यहाँ पर रिकवरी ईमेल है, यहाँ पर मेरा रिकवरी फ़ोन नंबर है और बहुत सारे ऑप्शन हैं। लॉग योर फ़ोन, ट्राई कॉलिंग योर फ़ोन, साइन आउट योर फ़ोन, रीच आउट द कैरियर, ये सारे फंक्शन दोस्तों बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से आप अपना फ़ोन बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।